अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है लौकी की सब्ज़ी की, और इसे बनाना बहुत आसान है। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया है आधा किलो लौकी, जिसे हमने इस तरह से मोटा मोटा काट लिया है और इसे धो के अलग रख दिया है। अब हम एक कुकर में तेल ऐड कर देंगे और उसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे आधा टेबल स्पून, और इसके बाद हम 1 टेबल स्पून साबित ज़ीरा ऐड करेंगे। अब हम इसमें कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे और कटी हुई हरी मिर्चें। इसमें हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और 4 हरी मिर्चें ली थी कटी हुई। इसे इतना भूनना है कि जब तक कि जो प्याज है वो लाइट ब्राउन ना हो जाए। अब जो प्याज है वो हल्की हल्की ब्राउन होना शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन और 1 टेबल स्पून अदरक शामिल कर रहे हैं और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। हम इसे हम 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। इस तरह से लहसुन अदरक भी जो है वो हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। हमने 2 टमाटर ले लिए थे, उसे हमने अच्छी तरह से काट लिया है। अब इसमें हम 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून हम काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे अब हमें 1 मिनट तक ही भूनना है स्लो आंच पे। अब जो मसाला है वो भून चुका है। अब हम इसमें कटी हुई लौकी ऐड कर रहे हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें 1 कप पानी शामिल कर देंगे। और नमक स्वाद अनुसार, और इसके बाद हम कुकर का ढक्कन बंद करके इसे 2 सीटी तक के गला लेंगे। 2 सीटी बाद जब आप कुकर का ढक्कन खोलोगे तो जो सब्ज़ी है वो रेडी हो चुकी होगी। लौकी गल चुकी होगी और इसमें आप कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दें। अब हमारी जो डिश है वो रेडी हो चुकी है। इसे आप रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, और अगर आपको ये सब्ज़ी अच्छी लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम।